जो साड़ियाँ खालसा इंस्टीट्यूशनज ने मैनोरिटी इंस्टीट्यूशनज ने इन किस तरह ये यकीनी बनाया जाए कि साढ़े मैनोरिटी के बच्चों ज़्यादा तो ज़्यादा एडमिशन मिले मैरिट के आधार पर मिले या थोड़ी रिलैक्सेशन भी देनी पवे क्योंकि मैनोरिटी इंस्टीट्यूशनज ने और ये वास्ते फैसला लिया गया कि ज़्यादा तो ज़्यादा प्रैफरेंस हर कोर्स के मैनोरिटी स्टूडेंट्स को दी जाएगी और नाल ही मिनिस्टर ऑफ एच आर डी और जेड़े भी कोई लीगल ये अड़चना ने उन्हों भी दिल्ली कमेटी के सहयोग नाल असी टेकअप करांगे जेड़े सिख खिडारी ने उन्हां लई स्पैशल रिजर्वेशन होएगी और सिख डिसेबल बच्चों लई और जेड़े भी मैं पहला भी कह चुका कि जो साढ़े मैनोरिटी के स्टूडेंट्स ने गुरसिख बच्चे है उन्होंने खास करके प्रेफरेंस दे के जो ताकि ये जो मैनोरिटी इंस्टीट्यूशन सैटअप हुई हैं और मैनोरिटी कमीशन ने इस बारे ऑलरेडी अपना फैसला नोटिफिकेशन दिता है कि ये जिहड़ियां मैनोरिटी इंस्टीट्यूशन ने दे शुड सर्व द इंटरस्ट ऑफ मैनोरिटी कम्यूनिटीज। दिल्ली कमेटी चोणां दे दरम्यान किए गए अपने सारे वादियां नूं लगातार सिरे चढ़ाउंदे लई वचनबद्ध है। इसे दे चलदिआं दिल्ली कमेटी दे दफ्तरां नूं गुरु ग्रंथ साहिब खोज केंद्र अधीन मुड़ तों होंद विच लिआंदा गया है। दरअसल इन्हां दफ्तरां दी थां गुरु ग्रंथ साहिब खोज केंद्र बनाए जाण दे लई डॉक्टर मनमोहन सिंह वल्लों उद्घाटन कीता गया सी जदकि मास्टर तारा सिंह वल्लों नींह पत्थर रख्या गया सी। कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जीके श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह समेत होर भी उगे सिख बुद्धिजीवियों ने बीते दिन दिल्ली विखे एक बैठक करके यह फैसला किया अते दस्या कि खोज केंद्र नूं जल्दी ही अमली रूप पहना के लोगों के सपोर्ट किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला लैके अपना दफ्तर खाली करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्ण जानकारी वास्ते एक कमेटी गठित की है और इन्हां दी मीटिंग भी हो रही है जो इस नूं बहुत जल्दी अंतम रूप दे के संगतां दी जानकारी वास्ते ये सेंटर जिहड़ा है आरंभ किया जाएगा। मेरी सतगुरों के चरणों में अरदास है कि सतगुरु जी इन्हां नूं कमेटी नूं चढ़दी कला बख्शिश करन। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने जो अकाली दल ने फैसले किए सी और मैनीफेस्टो दे विच बादल साहब ने दिल्ली की संगत ने वादा किया सीगा कि ये जिहड़ा ऑफिस सीगा दिल्ली दे कमेटी दे प्रधान साहब दा सकत्तर साहब दा बाकी अहुदेदार सबान दा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सी ये उस जगह पर बनिया सी जिथे गुरु ग्रंथ साहब रिसर्च केंद्र डॉक्टर मनमोहन सिंह खुराने का उद्घाटन किया और मास्टर तारा सिंह खुराने का नींह पत्थर रखिया सीगा। मैं समझदा कि जिहड़ा फैसला साडा है कि जो असी वादा किया अज पूरा किया फैसला कर लिया कि असी इत्थों सारे अपने ऑफिस शिफ्ट कर रहे जी। इस तरह समाज सेवक सरबत दा भला ट्रस्ट के चेयरमैन एस पी सिंह उबराए वालों भी पटियाला शहर के अर्बन अस्टेट फेज़ टू में एक कैंप लगा के लोड़वंद औरतों को सिलाई मशीनां वंडियां गईं। इस दौरान एस पी सिंह उबराए ने कहा कि औरत वर्ग को समाज के बराबर खड़ा करने वास्ते उन्हां दीआं कोशिशां हमेशा जारी रहणगियां ते लोड़वंद औरतों ने भी एस पी सिंह उबराए वालों किए गए इस उपराले का धन्यवाद भी किया। मन में कुछ वक्रा करन दी चाह होवे तो इंसान आसमान दीआं बुलंदियां विच हो सकता है। कुछ इस तरह की ही इच्छा रखने वाला है पग बन्नण विच माहिर इंटरनेशनल कोच भुपिंदर सिंह थिंद। भुपिंदर सिंह ने सिर ते सजाई जाने वाली दस्तार के मामले में अपना विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। उसने 6 मीटर की पग में 29 सेकिंटा विच अखां बन के यह कारनामा किया है। इस तो पहला भी भुपिंदर ने 5 मीटर की दस्तार सड़क से 55 किलोमीटर की रफ्तार से चलते मोटरसाइकिल उपर खड़े होकर बन्निया सी ते रिकॉर्ड कायम किया। भुपिंदर सिंह की अपने हैरानीजनक रिकॉर्ड लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की भी कोशिश है। सो इस खबर के नाल ही वेला हो चलिया तुहाडे तो इजाजत लैण दा पर जाते जाते एक बार फिर नज़र पावांगे हुण तक दीआं सुरखियां ते। पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सरकार दे दो बोर्ड दे चेयरमैन नियुक्त करन दी दित्ती परवानगी। नियुक्तियां दे रस्मी हुक्म छेती होणगे जारी। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे एक वफद ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नाल कीती मुलाकात। सुषमा ने भारतीयों दे सुरक्षित होण दा दित्ता भरोसा। परिवार वालियां ने जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश के सोलन के नेड़े एक हादसे में मारे गए अकाली कौंसलर प्रभजीत सिंह डिक्सी समेत 3 मृतकों का कल पटियाला विच कीता गया अंतिम संस्कार।
अते हुण तो कुछ मिनटां बाद PSLV C-23 होवेगा लॉन्च। अपने नाल पांच उपग्रहों नूं लैके पुलाड़ वल होवेगा रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरिकोटा विच मौजूद। सो खबरां दा सिलसिला इत्थे खत्म करदे हां। कुछ होर खबरां नाल फिर मिलांगे। तद तक लई इजाजत दिओ।